हेलो गाइस, वेलकम टू दीजी मीडिया न्यूज। तो गाइस, आज हम बात करेंगे एवेंजर एंड गेम के टीवी स्पॉट के बारे में। तो जिसमें कि मैं काफी सारी डिटेल्स तो नजर आई और प्लस काफी सारी फुटेज भी नजर आई और कुछ टाइम ट्रेवलिंग के बारे में भी पता चला। बट सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारे लिए फैंस के लिए खास था कि कैप्टन अमेरिका की शील्ड फाइनली रिटर्न हो गई उसके पास। अब ये कैसे पॉसिबल है, कहाँ से आई, तो ये काफी सारे सवाल आपके मन में होंगे। तो आज इस वीडियो में वही क्लियर करने के लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया कैप्टन अमेरिका की शील्ड पैक के ऊपर। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि कैप्टन अमेरिका की जो शील्ड है वो काफी इंपॉर्टेंट है और इतने सालों से साथ उसके काम कर रही है और देन लड़ाई में भी उसकी काफी ज्यादा मदद भी हुई है। उसके जो दो पॉपुलर कलर हैं रेड और ब्लू, जो कि अमेरिका का प्रतीक है, तो इसलिए इसका नाम कैप्टन अमेरिका है। जैसी उसकी शील्ड वैसे ही वो खुद एक चट्टान की तरह मजबूत आदमी जो 100 सालों का है, बहुत बड़ी बात है। तो चलिए बात करते हैं कि इसमें जो सीन था कैप्टन अमेरिका की शील्ड का वो काफी ज्यादा दर्दनाक था, क्योंकि कैप्टन अमेरिका के इसमें हाथ काफी ज्यादा कपकपा रहे थे और देन कुछ ऐसी बातें बोल रहा था जो कि फैंस को रुला देने वाली बातें थी। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये इसे मिली कहाँ से, तो मेरा अंदाजा जो है कैप्टन अमेरिका को जो शील्ड मिली होगी उनने सिविल वॉर में खो दी थी। और हमें जो कौन सा पार्ट मिले हैं उससे ये पता चलता है कि टोनी स्टार्क ने कहीं ना कहीं काफी बड़े समय की तैयारी कर रखी थी। उसका एक स्पेशल रूम भी होगा जिसमें उसके काफी सारे आर्मर, खेल खिलौने और बहुत बड़े बड़े हथियार, स्टार्क इंडस्ट्री के काफी सारे। तो कैप्टन अमेरिका की शील्ड 100% उसी रूम में खड़ी होगी, क्योंकि आप सब जानते हो कि अभी इस टाइम सिर्फ 7 लोग जिंदा हैं इस पूरे यूनिवर्स में। देन कैप्टन को भी ये भी नहीं पता है कि टोनी स्टार्क भी जिंदा है। तो हाँ, कैप्टन अमेरिका जहाँ पर रह रहा है यानी कि एवेंजर हेडक्वार्टर, तो वहीं पर भी उसकी शील्ड होगी टोनी स्टार्क के रूम में, उसके आर्मर रूम में जहाँ पर वो प्रैक्टिस करता था। तो इस सीन में कैप्टन अमेरिका के साथ 6 लोग और हैं और उसके हाथ में वो शील्ड है। तो पॉसिबिलिटी कैप्टन अमेरिका की शील्ड एक खास रूम में रखी होगी जहाँ पर कैप्टन के सारे आर्मर और उसका सूट भी हो सकता है, मेरे हिसाब से वो भी टोनी के रूम में। तो कैसा लगा वीडियो? अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देख रहे हो पेज को लाइक करें। रियली में आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नहीं देख रहे या तो उस पर ब्लैक बटन पे हाथ मारो या पैर मारो, और कुछ मत मानना। बाय बाय, जा रहा हूँ।